नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत पूजा श्रीवास्तव किचन में। और आज मैं आपके सामने होली स्पेशल में एक बहुत ही खास चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है कटोरी चाट। जी हाँ, चाट तो आपने बहुत बार खाई भी होगी और बनाई भी होगी, पर आई एम श्योर अगर आप इस कटोरी चाट की रेसिपी अगर मेरे बताए गए मेथड से ट्राई करेंगे तो आपका चाट खाने का मजा और भी डबल हो जाएगा। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस होली को और भी स्पेशल बनाने के लिए आप मेरी इस कटोरी चाट की रेसिपी ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी कटोरी चाट की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूपी की मशहूर कटोरी चाट बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी मैदा, आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी ये कटोरी चाट है तो इसमें थोड़ा सा क्रिस्प देने के लिए मैं एक कप, ये मेरा एक कटोरी के बराबर है, तो एक कप मैं सूजी ऐड कर रही हूं। तो अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन और हल्का सा 1/4 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो चलिए अब इसको नीट करते हैं। और अब इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच ऑयल, जिसको हम मोन बोलते हैं। चलिए अब नीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से मिलाते हैं और इसका एक बढ़िया सा डो बनाते हैं। पानी हम हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका अच्छे से डो बना लिया है। अब इसको 10 मिनट रेस्ट पे हम रख देंगे और इसके बाद हम इसकी छोटी-छोटी लोइयां बेलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा 10 मिनट के बाद एकदम थोड़ा सा फूल गया है। इसको थोड़ा हम और नीट कर लेंगे और अब इसकी छोटी-छोटी लोइयां बना के हम इसकी पूरियां बेलेंगे, क्योंकि ये कटोरी चाट है। अब इसकी जो पूरी हम बेलेंगे वो रोटी से थोड़ी छोटी और पूरी से थोड़ी बड़ी बेलेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए, ये देखिए मैंने इतनी लोई ले ली है, अब हम इसकी पूरी बेलेंगे। तो देखिए, हल्के हाथों से इसकी पूरियां बेलते हुए, ऐसे घुमाते हुए इसकी थोड़ी सी बड़ी पूरी हम बेलेंगे, लेकिन रोटी से थोड़ी सी छोटी। देखिए, आप चाहे तो इसमें आप आटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसमें मैदा यूज होता है, इसीलिए मैंने इसमें मैदा यूज किया है। तो देखिए, इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, ये देखिए थोड़ी सी पूरी से मोटी ही रहेगी और रोटी से थोड़ी सी पतली। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पूरी सारी बेल ली है अच्छे से। तो अब ये कटोरी चाट है, तो कटोरी लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं, क्योंकि ये कटोरी चाट है, बिना कटोरी के नहीं बनेगी। तो ऐसे हम इसको अच्छे से फैलाएंगे, देखिए अच्छे से इसको फैलाते हुए बराबर से, देखिए। और अब इसको ऐसे हम इसको
थोड़ा सा हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करते हुए, ये देखिए, ये देखिए अपना, ये देखिए इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, ये देखिए इसको हमने सारी तरफ से प्रेस कर लिया है। तो चलिए मैं अब इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। चलिए फ्राई करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रही हूँ। तो हमें फोक से इसको जगह जगह ऐसे प्रिक कर देना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये फूल के पूरी ना बने। अगर हम ऐसे प्रेस नहीं करेंगे, प्रिक नहीं करेंगे फोक से, तो ये पूरी बन जाएगी। तो चलिए अच्छे से प्रिक करने के बाद इसको हम करते हैं फ्राई। तो चलिए फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने ये जो कटोरी लगाई थी ना, इसके ऊपर अब हम इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इसको फ्राई होने देंगे। धीरे धीरे ये फ्राई होगी और कटोरी अपने आप हट जाएगी। एक बार गैस तेज करने के बाद हम मीडियम गैस और या तेज गर्म हो जाए तो लो भी कर देंगे गैस को। ऐसे करते हुए इनको, इसको घुमाते हुए चारों तरफ से सेकेंगे और इसको फ्रेंड्स अगर आप उठाएं, जब कटोरी अलग हो जाए तो किसी चिमटे से पकड़ के ध्यान से उठाइएगा क्योंकि थोड़ा रिस्की रहता है। गैस को सिम कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कटोरी कैसे छूट रही है धीरे धीरे। ये देखिए, देखिए ये देखिए कैसे छूट रही है। अगर आपको साइड से दिख रही है तो ध्यान से, आप ऐसे करके सारी कटोरी सेक लीजिएगा और ये कटोरी आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं, एक महीने तक खराब नहीं होती। ये देखिए कैसे जैसे जैसे सिकती जाएगी आपकी कटोरी नीचे अलग होती जाएगी। देखिए यहां से कटोरी एकदम अलग हो रही है। देखिए गैस को एकदम सिम पे कर दिया है। अब इस पे आराम से मैं कटोरी उठाती हूँ। ये देखिए निकल रही है फ्रेंड्स, कटोरी एकदम अलग हो गई है। का बचा हुआ तेल हम इसी में डाल देंगे और कटोरी को ध्यान से गर्म है किसी चिमटे से पकड़ के अलग रख दीजिएगा। और अब ये देखिए इसको अंदर भी थोड़ी सीख चुकी है, लेकिन हम उल्टा करके हल्का सा इसको सेक लेंगे ताकि अंदर से भी ये सीख जाए। ये देखिए ऊपर से हमारी अच्छे से सीख गई है, अब थोड़ी सी अंदर से भी सीख जाएगी। इसको सिम पर ही सेकिएगा, फूल पे सेकेंगे तो कटोरी अलग भी नहीं हो पाएगी और नीचे से वो जल भी जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्प के साथ हमारी कटोरी बनके ये देखिए रेडी हुई है। बस अब एक मिनट और ऐसे करके अब हम सारी कटोरी सेक लेंगे और आप इसको एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें भल्ले पापड़ी रख के खाइए, टिक्की रख के खाइए या आलू की चाट रख के खाइए। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए हमारी कटोरी कितनी अच्छी और बढ़िया बनके रेडी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी और बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी और कितनी क्रिस्पी कटोरी हमारी बनके तैयार हुई है। अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये ठंडी होके और भी क्रिस्पी रहे। सर्विंग करने से पहले हमें 10 मिनट इसको ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी तीनों कटोरियां बनके एकदम रेडी है। देखिए कितनी अच्छी फाइन हर तरफ से सिकी हुई कटोरी बनी है और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी क्रिस्प। देखिए कितने अच्छे से करारी हुई, आधा घंटा रखने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगी। चलिए कटोरी चाट की ड्रेसिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा दही,
ऐसे उसको फेंट लिया है और हल्की सी इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब शुगर डाल के इसको मीठा करने के लिए फेंट लिया है। ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो शुगर डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ी सी प्याज वो भी मैंने चॉप कर लिया है, ये रायते वाली बूंदी है ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने घर का चाट मसाला लिया है और भुना जीरा लिया है। चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और थोड़े से मैंने लिया है दो आलू, छोटे छोटे चॉप करके उनको मैंने फ्राई कर लिया है सिंपली ऑयल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं थोड़े से आलू डाल देती हूँ इसमें, आप चाहें तो इसमें टिक्की डाल दीजिए, भल्ला डालिए, कुछ भी डाल के स्टफिंग कर सकते हैं इसकी, लेकिन मैं यहाँ पर फ्राई आलू ले रही हूँ, आप चाहे तो बॉइल्ड आलू भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी डालूंगी मैं प्याज, और थोड़ा सा डाला हमने टमाटर, और अब डालेंगे हम इसके ऊपर ना दही। ये देखिए अच्छे से दही डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चाट मसाला, नमक मैं नहीं डाल रही क्योंकि आटा मारने के साथ भी हमने नमक डाला था, थोड़ा सा भुना जीरा, और आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इसको चटपटी बना रही हूँ इसलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी है थोड़ी सी। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा डालेंगे हरी चटनी। देखिए साथ ही में ऐड करूंगी मैं अपनी घर की बनी मीठी सॉल्ट। देखिए और अब इसमें हल्का सा मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी बूंदी और एक बार थोड़ा सा दही फिर से ऐड करेंगे। अब मैं ऊपर थोड़े से आलू इसमें और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला फिर से ऐड करेंगे हम इसमें, फिर से मैं थोड़ी सी प्याज, प्याज भी एकदम ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें, और थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी बूंदी, और अब चाट की जान हमारे सेब, ये देखिए थोड़े से सेब डालेंगे ऊपर, फिर से थोड़े से हम डालेंगे ऐसे, आहा देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा सा दही, और अब मैं थोड़ी सी डाल दूंगी सॉल्ट, देखिए, और लास्ट में एक बार फिर से चाट की जान हमारी, थोड़ी सी सेव, और गार्निश के लिए डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए लग रही है ना एकदम बाजार वाली लुक। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी कटोरी चाट की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को पूजा श्रीवास्तव किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और तब तक के लिए मेरी चाट कटोरी को एंजॉय करिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए, अपना और अपनों का ख्याल कीजिए, #keepcooking